राजनीतिक और क्षेत्रीय संतुलन की दृष्टि से आप इस बजट को कैसे देखते हैं? पायलट और उनके समर्थक विधायकों के क्षेत्रों के साथ क्या इस बजट में न्याय हो पाया है? दो सवाल हैं, क्षेत्रीय संतुलन और एक पायलट कैंप का। तो क्षेत्रीय संतुलन अच्छा है, सारे संभाग सारे जिले सब उन्होंने कवर किए हैं। और बात यह है ना कि बहुत ही खांटी मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, गांव गांव एक एक चप्पा चप्पा नापा हुआ है 40 साल में, चलते ही रहते हैं चलते ही रहते हैं। जो है ये हर गांव का पता है, सरपंच का नाम पता है, ढाणी का पता है, क्या प्रॉब्लम है उसका पता है। और जो बजट बनाया है तो ये इस बार तो सरस्वती उनके बैठ गई है माइंड में आकर के, इतना अच्छा बजट बना दिया उन्होंने और व्यापक बजट बना दिया। तो क्षेत्रीय संतुलन जो हम अगर आप कहें कि पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, उन सबका पूरा तालमेल है, पूरा संतुलन इसके अंदर है। उसमें कोई शिकायत किसी को नहीं और कोई विरोध का स्वर भी अभी नहीं उठा है। बजट आए 72 घंटे हो गए जो है। अब सेकेंड सवाल है पायलट कैंप का, तो कोशिश तो निश्चित तौर पर उनकी रही है, लेकिन ये बात भी तय है कि जो 102 विधायक थे और जो बगावत करके गए थे 19, 20, 22 लोग जो भी थे, अब देखो उनके ट्रीटमेंट में फ़र्क तो होगा, इसमें तो कोई बात है नहीं, प्रैक्टिकल बात है। तो नेचुरली बीएसपी के लोगों को ज़्यादा मिला होगा, कांग्रेस वालों को ज़्यादा मिला होगा, लेकिन मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि पायलट कैंप के लोगों की उपेक्षा नहीं हुई, पायलट विधायकों की उपेक्षा नहीं हुई। आपके सामने हैं भरतपुर के महाराज, भूतपूर्व महाराज विश्वेंद्र सिंह, 7 करोड़ रुपये उनको सैंक्शन हुए हैं, वहाँ 250 बेड का कोई हॉस्पिटल है उसमें कुछ काम होना है। इस तरह से आप बाड़मेर आ जाइए, हेमाराम चौधरी, ठीक है ना, अब उनको 126 करोड़ रुपए उन्होंने सैंक्शन किए हैं, जो 360 बेड हैं शायद हॉस्पिटल का बेड वहाँ बनना करना है। इस तरह से अब ये नीम का थाना में मोदी जी हैं, इनको एक यहाँ पे जिला अस्पताल दे दिया है। तो कोशिश है लोगों को साथ लेकर चलने की। दीपेंद्र सिंह है उसको दिया है वहाँ पे जो है, हाँ खटाना को दिया है, पीआर मीणा को दिया है, देखा मैंने सुरेश मोदी, हाँ हाँ, वो तो एक स्ट्रेटजी हो सकती है अशोक गहलोत की, आप जो कहना अच्छा दिया है, लेकिन आप ये कह सकते हैं फिर भी क्या है उनकी तुलना जो है ना, आप वो एक अंतर तो रहेगा 23 वर्सेस 102 लॉयलिस्ट जो हैं, लेकिन इसके बावजूद एज ए स्ट्रेटजी अशोक गहलोत ने इनको काफ़ी दिया ताकि ये कहने सुनने का मौका नहीं मिले। इस तरह की हृदय परिवर्तन के चांस तो कम होते हैं राजनीति में, रिक्वायरमेंट स्ट्रेटजी और हालात आदमी से फैसला करवाते हैं, और हृदय परिवर्तन आने वाले दिनों में हो सकता है। अब वो फिर मिलने वाले हैं, जिस दिन गले मिल लेंगे आपस में बातचीत हो जाएगी, हृदय परिवर्तन भी हो जाएगा। लेकिन बिना हृदय परिवर्तन के ही अशोक गहलोत के बारे में तो कहा ही जाता है ही इज़ ए रूथलेस पॉलिटिशियन, ही इज़ ए रूथलेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो काम करना होता करते हैं वो। तो आज हो सकता है पॉजिटिवली रूथलेसली चलते हुए उन्होंने जो है ना पायलट के लोगों को एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी बड़ा एलोकेशन दिया है।